Welcome back, students. Today we are going to have a fun class, and in this class we are going to learn about this very beautiful device called as a capacitor. Capacitors क्या होते हैं, कैसे काम करते हैं, और उनका इस इमेज जो है उसके साथ क्या लेना देना है. ऐसी फोटो अगर आप खींचना चाहते हैं तो आपको कैपेसिटर्स के बारे में सीखना ज़रूरी है. और आज हम बहुत ज़्यादा थ्योरी नहीं करने वाले हैं. दिस इज निमिश गुलाटी ऑन बिहाफ ऑफ हैप्पी मॉडल हायर सेकेंडरी स्कूल एट उधमपुर. एंड आई ब्रिंग टू यू दिस लेसन, फन लेसन, एंजॉयमेंट लेसन ऑन कैपेसिटर्स, राइट. तो नाम ही इसका है कैपेसिटर, तो इसका लेना देना डेफिनेटली है विद कैपेसिटी टू स्टोर एनर्जी, राइट. सो कैपेसिटर यहाँ पे जैसे हमको दिख रहा है, एक ऐसा डिवाइस होता है जो इलेक्ट्रिकल एनर्जी को स्टोर कर सकता है. सिंपलेस्ट टाइप ऑफ कैपेसिटर बनता है अगर हम दो पैरेलल प्लेट्स ले लें और उनको किसी बैटरी के साथ जोड़ दें. बैटरी का एक प्लस टर्मिनल होगा, एक माइनस टर्मिनल होगा. तो प्लस टर्मिनल से जो लेफ्ट वाली प्लेट है वो पॉजिटिवली चार्ज हो जाएगी और राइट वाली प्लेट नेगेटिवली चार्ज हो जाएगी. लेट अस सपोज द एरिया ऑफ द प्लेट्स इज ए एंड द डिस्टेंस बिटवीन देम इज डी. तो ये क्या होगा, इन प्लस से लेकर माइनस तक देयर वुड बी एन इलेक्ट्रिक फील्ड दैट वुड एग्जिस्ट बिटवीन द प्लेट्स ऑफ द कैपेसिटर. तो इसमें इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर एक एनर्जी स्टोर हो जाएगी, इलेक्ट्रिकल एनर्जी. एंड दिस एनर्जी को हम रीयूज कर सकते हैं. इट इज कैपेबल ऑफ बीइंग टेकन आउट एंड यूज्ड फॉर अ पर्पसफुल पर्पस. ओके, तो ये बेसिक अंडरस्टैंडिंग कि कैपेसिटर बेसिकली क्या होता है. नाउ एनी टू कंडक्टर्स जिनको हमने इलेक्ट्रिकली आइसोलेट किया हो एक दूसरे से, दैट मीन्स वो टच नहीं कर रहे हैं, एंड आइसोलेट किया है उनको अपनी सराउंडिंग से, दैट मीन्स अगर उनको चार्ज कर दें तो उनका चार्ज लीक ऑफ नहीं हो जाता है, तो ये बन जाता है कैपेसिटर. यहाँ पर एक पॉजिटिवली चार्ज बॉडी है, एक नेगेटिवली चार्ज बॉडी है, माइनस क्यू प्लस क्यू. तो इलेक्ट्रिक लाइन्स जो है ऐसी बटरफ्लाई शेप बनेगी, है ना, डाइपोल में जैसी बनती थी. सो दिस अरेंजमेंट is what is called as a capacitor. Capacitor की कितनी capacity होती है, जैसे कोई पानी की टंकी होती है ना, water tank होता है, तो how much water can it store is called the capacity of the water tank. वैसे ही कितनी electrical energy एक plus minus charge अपने बीच में store कर सकते हैं, that is called as the capacity of the capacitors. अब मुझे बताइए, what is the net charge of this capacitor? इसको हम एक body मान लें, तो net charge कितना होगा? जितना plus है, उतना ही minus है, तो net charge is going to be equal to zero. तो कुछ books कहती हैं, capacitor is a device to store charges. That is not right. Capacitor is just a device to store electrical energy, because the net capacitor, the charge on a capacitor is always zero. हाँ, एक एक प्लेट के ऊपर चार्ज है, एक प्लेट पे प्लस क्यू है, दूसरे पे माइनस क्यू है, लेकिन ओवरऑल चार्ज इन अ कैपेसिटर इज जीरो. तो यहाँ पे वही आपको थोड़ा 3D में दिख रहा है, दो प्लेट्स हैं, एक हमारी ये ब्लू प्लेट हैविंग चार्ज प्लस क्यू, एक हमारी येलो प्लेट हैविंग अ चार्ज माइनस क्यू, और इनको हमने एक बैटरी ऑफ V वोल्ट के साथ जोड़ा है. तो ये कैपेसिटर बन जाता है. इसकी कैपेसिटी जिसका सिंबल कैपिटल सी होता है इज इक्वल टू क्यू बाय वी. इसको याद रखने का ढंग जो है अभी हम नेक्स्ट स्लाइड्स में दिखाएंगे. लेट अस फर्स्ट अंडरस्टैंड, यू नो ये जो पुलिस की लाइट्स होती हैं, हॉर्न ब्लिंकिंग लाइट्स, ये भी कैपेसिटर की ही वजह से होती हैं. सो कैपेसिटर्स कैन स्टोर चार्ज फॉर हाई स्पीड यूज, जल्दी से हमने चार्ज वापस लेना हो. इसमें
रिपल्स नहीं आती हैं, मतलब एक बर्स्ट में आता है, इट इज़ नॉट अप डाउन। कैपेसिटर्स और भी बहुत काम कर सकते हैं, लेकिन आओ पहले इनकी शक्ल देखते हैं। ये देखो ये बच्चों, यहाँ पे ये जो पिक्चर देख रहे हैं आप, दीज आर वेरियस टाइप्स ऑफ कैपेसिटर्स। जनरली आपको ये सिलेंड्रिकल शेप में मिलेंगे, दो टर्मिनल्स होते हैं इनके, सिलेंड्रिकल शेप, दो टर्मिनल्स। ऐसे भी होते हैं छोटे छोटे साइज के, बड़े साइज के ये कैपेसिटर्स हैं सारे। ध्यान से फोटो को देखो, ये वाले भी आपको कई सर्किट में मिलेंगे। अगर आपके घर में कोई पुराना एलईडी बल्ब है तो आप, ख़राब है एलईडी बल्ब तो आप, यहाँ आपके पास सीएफएल लैंप है, एलईडी छोड़ो, सीएफएल लैंप है, पुराना सीएफएल लैंप है, ख़राब है उसका जो फिर ग्लास वाला पार्ट है ना, उसको नहीं, उसको आप, वो ग्लास है वो डेंजरस है, उसको किसी सीनियर की हेल्प लो, उसको ग्लास को रिमूव कर दो, ख़राब ही हो गया। अब उसके पीछे जो जो बड़ी सी बॉडी है ना उसकी, उसको तोड़ो, उसके अंदर आपको एक सर्किट निकलेगा, उस सर्किट को जरा अपने पास रखो, बहुत मज़ा आएगा आपको। वेस्ट चीज़ है ना, ऐसे डस्टबिन में फेंकने से अच्छा फिजिक्स सीखनी चाहिए, उसमें आपको ऐसे खूब सारे कैपेसिटर्स नज़र आएंगे, उसमें और भी चीज़ें नज़र आएंगी, रेजिस्टेंस होंगे उसमें, डायोड्स होंगे, बहुत सारी चीज़ें होंगी जो हमने क्लास 12th में पढ़नी है। तो दैट्स ए गुड वे ऑफ स्टार्टिंग विद इलेक्ट्रॉनिक्स। तो ये शक्लें जो आप देख रहे हैं ये सब कैपेसिटर्स हैं। ऐसे कैपेसिटर्स आपको आपके फ़ैन में मिलेंगे, फ़ैन के हुड में आप खोलेंगे, फ़ैन के ऊपर जो टोपी लगी होती है ना उसके अंदर देखेंगे, ऐसा एक कैपेसिटर होगा। बट कैपेसिटर्स के साथ बड़ा केयरफुल होना पड़ता है इसमें, क्योंकि चार्ज और एनर्जी स्टोर होती है, तो अगर आपको टच कर जाएगा तो बहुत ज़बरदस्त शॉक भी लगता है ऐसे। मोटर्स में लगे होते हैं कैपेसिटर्स, ट्यूबलाइट्स में होते हैं कैपेसिटर्स, तो बहुत जगहों पर कैपेसिटर्स होते हैं। अभी हम और भी जगहें देखेंगे कहाँ कहाँ कैपेसिटर्स हमको देखने को मिलते हैं। पैरेलल प्लेट कैपेसिटर जैसे मैंने आपको ये बताया, ये वाला, इस तरह के कैपेसिटर को अगर हम अंदर से खोलें, इसकी डाइसेक्शन करें, है ना, तो ये बच्चों डाइसेक्शन जो है सिर्फ वायु में नहीं होती है, फिजिक्स में भी हम डाइसेक्शन कर सकते हैं। तो हम डाइसेक्ट करते हैं इस कैपेसिटर को, तो हम इस तरह से अंदर हम ब्लू वाली दो मेटल की फॉइल पाएंगे, और बीच में दो ये बटर पेपर होते हैं ना, वैक्स पेपर्स, ये पेपर होते हैं। ऐसा पेपर दोनों लेयर्स के बीच में रखने का फ़ायदा ये होता है कि एक मेटल फॉइल दूसरी मेटल फॉइल को फिर टच नहीं कर पाती है। तो दो प्लेट्स चाहिए हमको, उनके बीच में गैप भी चाहिए और टच भी ना करें, तो इस तरह से फिर उसको हम रोल कर देते हैं, एक सिलेंड्रिकल कैपेसिटर बन जाता है, तो फिर बाहर से दो टर्मिनल्स आ जाते हैं। दिस इज व्हाट हैपेंस यू नो इनसाइड अ कैपेसिटर। कई बारी लैंप्स होती हैं यू नो कैपेसिटिव टच होती हैं, कैपेसिटिव टच, टच करो लैंप को तो वो लाइट ऑन हो जाती है, टच करने से वो सॉफ्ट, टच करोगे तो डिम हो जाती है, हार्ड टच करोगे तो ऑफ हो जाती है। इनफैक्ट हम सबके मोबाइल फोन्स जो टच स्क्रीन है आज, टच स्क्रीन जो है हम टच करने से उसको कैसे पता चलता है कि क्या करना है, तो हमारी जो स्क्रीन होती है वो भी एक कैपेसिटिव स्क्रीन होती है, इट्स कॉल्ड अ कैपेसिटिव टच। तो आपको इंटरेस्टिंग लग रहा हो तो आप जरूर गूगल करें और स्टडी करें मोर अबाउट कैपेसिटिव टच स्क्रीन, वेरी इंटरेस्टिंग हाउ दे वर्क, एंड उसकी थ्योरी जो है आज आप सीखने वाले हैं थोड़ी सी। तो फिंगरप्रिंट स्कैनर्स हमारे पास होते हैं जो टच स्क्रीन बेस्ड होते हैं, हमारे मेमोरी को प्रिजर्व करने में, कैलकुलेटर्स के अंदर, हमारे कंप्यूटर्स के अंदर। ऐसे देखो ये कैपेसिटर्स होते हैं, पर्पल कलर का कैपेसिटर दिख रहा है आपको, ये कंप्यूटर के अंदर की कहानी है। आप जो देख रहे हैं ना यहाँ पे, ये यहाँ पे वाइट वाइट वाइट, ये बेसिकली लेग्स हैं, ये एक इंटीग्रेटेड सर्किट है। इसके बारे में तो हम पढ़ते हैं व्हेन वी गो टू द लास्ट चैप्टर ऑफ आवर सिलेबस। तो कई सारी चीज़ें हैं यहाँ पर, एक ट्रांजिस्टर है, इसको भी हम सेमीकंडक्टर डिवाइसेस का चैप्टर है उसमें हम पढ़ेंगे इसको, तो वहाँ पर फिर से देखने का मिलेगा। ये जो आप देख रहे हैं ये प्रैक्टिकल होते हैं, रेजिस्टेंस ऐसे होते हैं, ये भी एक रेजिस्टेंस राइट। तो कैपेसिटर्स मेमोरी को प्रिजर्व करते हैं, कैपेसिटर्स का रोल है कि जब बैटरी नहीं भी हो तब भी ये हमारे कंप्यूटर को, हम ऑफ करते हैं कंप्यूटर को लेकिन ऑन करने पर वो अपना नॉलेज तो नहीं भूल जाता है ना, तो उसके अंदर सेल्स होते हैं और कुछ कैपेसिटर्स होते हैं जो उसको लाइव रखते हैं इवन व्हेन द कंप्यूटर इज स्विच्ड ऑफ राइट। यहाँ पर एक सीन है डिफिब्रिलेटर। सो ये क्या होता है,
Let me go back here. राइट right. तो यहाँ पर डिफिब्रिलेटर आपने मूवीज में देखा होगा, किसी का हार्ट चलना अगर बंद हो जाए तो व्हाट हैपेंस इज दैट हमारे पास ऐसे दो डिवाइस होते हैं ना, ऐसे देखने में छोटी सी प्रेस की तरह लगते हैं, और फिर इसको हम चार्ज करते हैं। ये जैसे ये दो है ना, ये दो यहाँ पे इनको चार्ज करते हैं और यहाँ पे ह्यूमन बींग को चेस्ट पे लगाते हैं, फिर वो थोड़ा सा जिंदा होता है। राइट right? तो चेस्ट राइज होता है और वो हिलता है, तो वो भी कैपेसिटर्स होते हैं। कैपेसिटर में एनर्जी स्टोर होती है, हम एनर्जी देते हैं अपनी हार्ट को, एंड उसको अगर एक हार्ट रुक गया है उसको हम रीस्टार्ट करने की कोशिश करते हैं। नाउ व्हाट इज द कनेक्शन बिटवीन अ पेसमेकर एंड द विंडशील्ड वाइपर्स ऑफ आवर कार? कार के विंडस्क्रीन जो है उसके वाइपर्स, उसको चलाने में भी कैपेसिटर्स का रोल होता है। कैपेसिटर्स जो हैं विंडस्क्रीन को चलाने में अपने आप चार्ज देते हैं, वापस आता है, इसलिए विंडस्क्रीन वापस आ जाती है, फिर से चार्ज देते हैं, फिर आगे जाती है, फिर वापस आती है। इस तरह से विंडस्क्रीन जो हैं वो काम करती हैं। बैटरी कैपेसिटर को चार्ज करती है और कैपेसिटर विंडस्क्रीन को चलाते हैं। वैसे ही कुछ लोग होते हैं जिनका यू नो दी हार्ट इज़ बेसिकली अ इलेक्ट्रिकल डिवाइस, राइट? तो हार्ट को सिग्नल आता है हमारे नर्वस सिस्टम से पंप करने के लिए। अब कई बार लोगों का ये जो नर्वस सिस्टम है वो इम्प्रॉपर हो जाता है, राइट पल्स नहीं आती हैं, तो उनका दिल जो है वो अपने आप धड़कता प्रॉपरली नहीं है। तो दिल प्रॉपरली धड़के उसके लिए हम क्या करते हैं, हम एक पेसमेकर लगाते हैं। पेसमेकर एक सर्किट होता है, उसमें एक सेल होता है, एक बैटरी होती है और एक कैपेसिटर होता है और एक रेजिस्टेंस भी होता है। तो रेजिस्टेंस और कैपेसिटर, रेजिस्टेंस आर, कैपेसिटर सी, ये बन जाएगा आरसी सर्किट। ये आरसी सर्किट की वैल्यू डिसाइड करती है कि किसका टाइम पीरियड क्या होगा। टाइम पीरियड किस चीज़ का, सिग्नल भेजने का। जैसे विंड स्क्रीन का टाइम पीरियड है ना, तेज तेज चलनी है, स्लो स्लो चलनी है। आपने देखा होगा कार के अंदर नॉब होती है जिससे हम विंड स्क्रीन की स्पीड को चेंज कर सकते हैं। तो बेसिकली हम वहाँ पे आर रेजिस्टेंस चेंज करते हैं, जिससे कैपेसिटर जो है उसमें डिस्चार्ज करने की जो रेट है और जो टाइम है वो चेंज हो जाता है। जल्दी जल्दी भी हो सकता है, तेज बारिश पड़ती है तो हम विंड स्क्रीन को तेज तेज चलाते हैं, थोड़ी थोड़ी बारिश पड़ती है तो विंड स्क्रीन को स्लो करते हैं, तो वो हम वेरी करते हैं। तो ये ऐसा एक इम्प्लांट जो है बॉडी में इम्प्लांट किया जाता है, एक बैटरी। बैटरी की लाइफ कुछ 10 साल के करीब होती है, और फिर ये जो है रिचार्जेबल भी आती है, अंदर ही होती है, तो आप बाहर से दिल को चार्ज कर सकते हो, दिल की बैटरी को चार्ज कर सकते हो। राइट तो लॉट ऑफ टेक्नोलॉजीज आते हैं, ब्यूटीफुल टेक्नोलॉजीज। यहाँ से एक वायर है जो हार्ट को जाती है, इलेक्ट्रिकल वायर, और ये हमारे दिल को आफ्टर रेगुलर इंटरवल ऑफ टाइम एक सिग्नल भेजती है, इलेक्ट्रिकल पल्स भेजती है, छोटा सा पल्स जो हार्ट से आ सकता है और हार्ट जो है उससे पंप करता है। तो पेसमेकर, पेस का नाम ही है स्पीड मेकर। सो द पेसमेकर विल बी एबल टू मेक योर हार्ट पंप एट अ करेक्ट रेट। हमारे पास इंडिया में नहीं होता ये, बट डेवलप कंट्रीज में पावर सर्जेस ना हो जाए, बड़ी ज़्यादा वोल्टेज ना आ जाए, कम ना हो जाए, तो उन्होंने अपने पोल्स के ऊपर ऐसे कैपेसिटर्स का एक बैंक बनाया होता है। ये जो कैपेसिटर्स का जो बैंक होता है, ये जो बिजली आती है लोगों की, वो लोग बिजली डायरेक्ट पोल से अपने घर में लेते हैं। वो बिजली पहले कैपेसिटर के बैंक में जाती है और फिर वो कैपेसिटर्स के थ्रू होती हुई लोगों के घर में आती है। तो इससे लोगों को जो वोल्टेज फ्लक्चुएशन की प्रॉब्लम है उन कंट्रीज में नहीं होती है, बट हमारे कंट्री में हमको बिजली मिल जाए तो दैट्स अ ग्रेट थिंग। बाकी हमारे अपने घर के अंदर ट्रांसफार्मर्स होते हैं जो ये काम करते हैं, हमारी हेल्प करते हैं सर्जेस को मैनेज करने में, अगर ऑटोमेटिक ट्रांसफार्मर हो तो, बट अदरवाइज हम लोग ऐसे ही रह लेते हैं, कोई बात नहीं। वंस इन अ वाइल बिजली आ जाती है, कुछ नुकसान भी करती है, दैट्स ओके। कैपेसिटर्स आर ऑफन यूज टू प्रोड्यूस बर्स्ट्स ऑफ एनर्जी, खूब सारी एनर्जी को हमने अगर प्रोड्यूस करना है, राइट? तो ये हमने बर्स्ट ऑफ एनर्जी, तो हमारी जो कैमरा की जो फ्लैश लाइट होती है उसके अंदर भी बैकग्राउंड में एक ऐसा कैपेसिटर होता है, कैपेसिटर क्लोजअप में देख रहे हो,
आओ जरा प्यार से देखते हैं इसको। पहली बात तो ये कुछ 320SV लिखा हुआ है, ये कुछ कोड है इस कैपेसिटर का, ये कंपनी का अपना नेम है, कुछ M नेम होगा, कोड है उस कंपनी का जिसके ने मैन्युफैक्चर किया है। लेकिन ज़्यादा इंटरेस्टिंग बात है दैट यहाँ लिखा है 185 μF। कैपेसिटर्स की जो यूनिट होती है वो फैरेड होती है, कैपिटल F, और μF का मतलब माइक्रो फैरेड। तो ये जो कैपेसिटर है, जो इसमें कैमरा के अंदर का कैपेसिटर है, इसकी वैल्यू है 185 μF, और ये चार्ज करता है अपने सेल से, और उसके बाद जैसे ही आपको फोटो खींचनी होती है उसी समय ये एक स्पार्क निकलता है। यहाँ पे आप देख सकते हैं ऊपर स्पार्क आ रहा है, तो फ्लैश आती है जो का चमक का आता है लाइट का, एंड द ऑब्जेक्ट इज इल्यूमिनेटेड। उसी समय ये शटर काम करता है और जो रिफ्लेक्टेड लाइट है उसको कैप्चर करता है, तो हम अंधेरे में, डार्कनेस में भी फ्लैश के साथ फोटो खींच सकते हैं। तो यहाँ पर भी ये कैपेसिटर्स जो हैं उन्हीं का रोल है। तो अब ये जो फोटो हमने स्टार्टिंग वाली की है ना, ये आ जाओ इस पे आ गए। आपने देखा ना डिस्को लाइट्स होती हैं जो फ्लैश करते रहते हैं, जिक 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 जिक, वो डिस्को लाइट्स, जो फ्लैशिंग लाइट्स होती हैं, अगर उन फ्लैशिंग लाइट्स में अगर हम फोटो खींचे और वो हाई स्पीड पर फ्लैश कर रही हों, फिर बुलेट फायर जब करेंगे तो हम अलग अलग स्टेजेस में जो है वो फोटो को खींच पाएंगे, राइट। और इस तरह के फोटोग्राफ्स जो हैं शॉर्ट बर्स्ट के अंदर, सिर्फ इतना सा पार्ट ही नज़र आएगा आपको, इस तरह का फोटो ऐसा स्ट्रोबो उसको बोलते हैं इसको, और एनर्जाइज करता है फ्लैश को, और हम ऐसी फोटो खींच सकते हैं, डायनेमिक फोटोज जिसमें बुलेट इज पियर्सिंग थ्रू अ बनाना एंड व्हाट हैपेंस, व्हाट इज द कमिंग आउट ऑफ प्रोफाइल, वो सब हमको यहाँ पर नजर आ रहा है। तो कैपेसिटर्स की बदौलत की पाएं, ऐसा ही कोई बिल्ली जंप कर रही है तो टाइम लैप्स फोटो अगर खींचना होता है हमको, जैसे क्रिकेट मैच में भी दिखाते हैं ना, बॉल ये 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 रूट से गया, वैसे बिल्ली ये 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 जंप की, तो ऐसा करने के लिए भी हमको फ्लैश जो है वो कैपेसिटर जो है वो उसको मैनेज करता है। फ्लैश मल्टीपल फ्लैशेज आती हैं और फिर वो शटर ऑन रहता है उस दौरान, और हम इस तरह से अपनी जो कैट है उसका टाइम लैप्स फोटो ले सकते हैं, राइट। तो अभी तक हमने बच्चों पढ़ा आपके साथ कि कैपेसिटर के कुछ एरिया, बहुत सारे मोर एप्लीकेशंस हैं, सो जस्ट फॉर द पॉसिटी ऑफ टाइम आई एम नॉट एबल टू डिस्कस ऑल ऑफ देम, बट मेन वंस दैट आई हैव डिस्कस्ड विद यू, राइट। तो ये पिक्चर हमने अभी देखी किस तरह से टाइम लैप्स फोटोग्राफी में कैपेसिटर्स प्ले अ रोल। थोड़ा सा थोड़ी देखते हैं कि इलेक्ट्रिकल कैपेसिटेंस ऑफ अ स्फेरिकल बॉडी क्या होती है। मान लो एक बॉल है जिसका मान लो एक रेडियस है आर, ओके। अब हम उसको चार्ज दे देते हैं, कुछ ब्लू चार्जेस प्लस कैपिटल क्यू दे देते हैं, राइट। तो ये एक चार्ज बॉल हो गया, जैसे जैसे हम चार्ज देंगे ये पॉजिटिव चार्जेस एक दूसरे को रिपेल करेंगे, ये रहना नहीं चाहते हैं इस बॉडी पे, रिपल्शन होती है लाइक चार्जेस के बीच में, ये यूनिफॉर्मली इस बॉल के ऊपर फैल जाएंगे। और जब एक चार्ज्ड स्फीयर होता है तो इट बिहेव्स एज इफ द एंटायर चार्ज क्यू वाज कॉन्सेंट्रेटेड एट इट्स सेंटर। और ये अगर मान लो एक चार्ज क्यू होता सेंटर पे और आर डिस्टेंस पे कुछ वोल्टेज होती वी, एंड पोटेंशियल ड्यू टू अ पॉइंट चार्ज का फॉर्मूला हमने आपके साथ किया हुआ है, पोटेंशियल इज इक्वल टू 1/4πε0Q/R। याद आया पोटेंशियल का, पोटेंशियल ड्यू टू अ पॉइंट चार्ज। आप देखो जैसे जैसे ये चार्ज बढ़ेगा इस बॉल के ऊपर, बॉल का रेडियस कॉन्स्टेंट है, इसके ऊपर चार्ज इंक्रीज होगा, वैसे वैसे चार्जेस के बीच की दिक्कत इंक्रीज हो जाएगी, क्योंकि पास पास आने लगेंगे, उनके बीच में रिपल्शन बढ़ेगा, रिपल्शन बढ़ेगी तो मतलब पोटेंशियल भी बढ़ेगा। तो चार्जेस, द इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू अ चार्ज स्फीयर ऑन इट्स सरफेस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द चार्ज ऑन द सरफेस ऑफ द कंडक्टर, राइट। डायरेक्ट का मतलब है कि क्यू बढ़ेगा तो वी भी बढ़ेगा, तो उल्टा भी लिख सकते हैं, क्यू बढ़ेगा
V भरेगा, Q is directly proportional to V. If I remove the sign of proportionality, we get Q is equal to CV, where C is a constant of proportionality called as capacitance of the body. इसको हम rearrange करके लिखें तो Q is equal to VC. ये बहुत ही important equation है इस chapter capacitors की, और इसको मैं तो याद ऐसे ही रखता हूँ. Q is equal to very charming. या क्यों हैं आप very charming? Q is equal to VC. क्यों हैं आप very charming, right? So Q is equal to VC, where Q stands for the charge on the surface of the conductor, V for the electric potential on the surface of the conductor, and C the capacity of the conductor. That's equation number 2. तो ये equation भूलना नहीं है. क्यों हैं आप very charming? Okay. Now here अभी हमने derive किया V is equal to ये green वाली equation. अगर मैं cross multiply कर दूँ तो मैं पाऊँगा Q is equal to 4 pi epsilon naught R into V. Now if I compare equation number 1 and equation number 2, दोनों तो Q हैं. मैं compare करता हूँ V की जगह V है, तो C की जगह क्या है? तो C की जगह है 4 pi epsilon naught R. So the capacity of a spherical body of radius R, the formula है 4 pi epsilon naught R. 4 pi epsilon naught तो constant होता है. So that means capacity is directly proportional to the radius of that body. Right? बड़ा बॉल होगा, रेडियस बड़ा होगा तो ज्यादा चार्ज स्टोर कर सकता है. रेडियस छोटा होगा तो कम चार्ज स्टोर कर सकता है. वैसे ही पानी की टंकी भरी होगी तो ज्यादा पानी स्टोर कर सकती है. पानी की टंकी छोटू होगी, अगर हमने अपने घर के ऊपर एक बाल्टी रख दिया है, पानी की टंकी बना दिया बाल्टी को, तो बाल्टी की भाई लोगों कैपेसिटी तो कम है. अगर उसकी कैपेसिटी कम है तो इसका मतलब उसमें चार्ज या पानी स्टोर हो सकता है वो भी कम होगा. अगर ये है फॉर्मूला तो इसका मतलब अर्थ तो बहुत बड़ी चीज है, अर्थ तो बहुत बड़ा रेडियस है. सो व्हाट इज द टोटल कैपेसिटी ऑफ द अर्थ? राइट, अर्थ का रेडियस होता है बच्चों 6400 किलोमीटर. इसको हम लिख सकते हैं 6.4 into 10 raised power 6 meters. ओके, और हमने आपके साथ पढ़ा हुआ है 1 by 4 pi epsilon naught होता है 9 into 10 raised power. तो 4 pi epsilon naught क्या होगा? उसका reciprocal. तो C will be 1 by 9 into 10 raised power 9 into radius of the earth 6.4 10 raised power 6 meter. इसको calculate करता हूँ तो इसका answer जो है वो आता है बच्चों 711 microfarad. Just 711 microfarad. अभी मैंने आपको कैपेसिटर दिखाया था ना, वो अराउंड 138 microfarad का छोटा सा था. तो अगर पूरे अर्थ की कैपेसिटी 711 microfarad है, ये नंबर इंपॉर्टेंट है एंट्रेंस पॉइंट ऑफ व्यू से, नीट वगैरह में भी आपको देखने को मिल जाता है व्हाट इज द कैपेसिटी ऑफ द अर्थ. तो अगर टोटल अर्थ की कैपेसिटी 711 माइक्रोफेरेड है तो आपको तो ये पूछना ही चाहिए सर फिर ये छोटू सा कैपेसिटर जो हमारे कैमरा के अंदर फिट हो जाता है उसकी 138 माइक्रोफेरेड कैसे हो गई? तो उसके लिए तो आपको इंतजार करना पड़ेगा, है ना, और क्लासेस में पढ़ने का कि ये हमने कैसे किया. ओके, तो हमने क्या सीखा अभी तक कहानी में? क्यू इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू वी, यही सीखा. क्यू इज इक्वल टू वेरी चार्मिंग. अगर मैं ग्राफ बनाऊं इसका, चार्ज ऑन द एक्स एक्सिस, पोटेंशियल ऑन द वाई एक्सिस, तो आई फाइंड आई गेट अ स्ट्रेट लाइन. डायरेक्टली प्रोपोर्शनल ग्राफ ऐसे ही होता है. व्हाट विल बी द स्लोप ऑफ दिस ग्राफ? स्लोप क्या होती है? टेन थीटा. टेन थीटा क्या होता है? परपेंडिकुलर अपॉन बेस. ये ट्राइंगल बनाया मैंने, परपेंडिकुलर क्या है? चेंज ऑफ पोटेंशियल. बेस में क्या है? चेंज ऑफ चार्ज. तो स्लोप विच इज टेन थीटा इज डेल्टा वी बाय डेल्टा क्यू और वी बाय क्यू. But what is V by Q according to very charming equation? V by Q. Q को नीचे लाएंगे, that will be equal to 1 by C. Reciprocal of capacity. इसका मतलब जिसकी slope कम, उसकी capacity ज्यादा. Right? यहाँ पे एक question है, ये CBSE में तो कई बार आया है. ये आपको V by Q graph है, और दो capacitors हैं, capacitor A and capacitor B. बताओ, इसमें से किसकी capacity ज्यादा है? अभी-अभी मैंने पढ़ा. That जिसकी
स्लोप कम होती है उसकी कैपेसिटी ज्यादा होती है। तो इसका मतलब स्लोप किसकी कम है, ए की के बी की, बी की। इसको पहाड़ मानो, ऑरेंज पहाड़ की स्लोप ज्यादा है कि ब्लू पहाड़ की, ऑरेंज पहाड़ की स्लोप कम है इसलिए उसकी कैपेसिटी ज्यादा है। तो सी वी कैपेसिटी ऑफ बी इज ग्रेटर देन कैपेसिटी ऑफ ए, यू कैन आर्ग्यू बाय द हेल्प ऑफ दिस पर्टिकुलर स्लोप का फॉर्मूला जो हमने आपके साथ पढ़ा है, राइट। तो अब यहां पर हम एक और चीज पढ़ सकते हैं कि जो कैपेसिटर q इज इक्वल टू वेरी चार्मिंग इक्वेशन है, वहां से c विल बी इक्वल टू q बाय v। चार्ज की बच्चों यूनिट्स होती है कूलम और पोटेंशियल डिफरेंस की वोल्ट, देयरफॉर कैपेसिटेंस की यूनिट होती है फैरेड। ओके, सो 1 फैरेड इट विल बी इक्वल टू 1 कूलम अपॉन 1 वोल्ट। यहां से हम डेफिनेशन बना सकते हैं बच्चों फैरेड की। हम बोलते हैं द कैपेसिटेंस ऑफ अ कैपेसिटर इज सेट टू बी इक्वल टू 1 फैरेड। कब बोलते हैं कैपेसिटी 1 फैरेड, अगर उस बॉडी को चार्ज कितना दिया जाए 1 कूलम और उसकी पोटेंशियल डिफरेंस कितना भर जाए इक्वल टू 1 वोल्ट। तो वर्ड्स में कैसे लिखेंगे, फिर से If a charge of 1 coulomb is given to a body and it raises its potential to 1 volt, then its capacity is said to be equal to 1 farad. Let's look at the dimensions of capacitors. The dimensions को देखते हैं, We say capacitance C is equal to Q by V, but what is charge? Charge is current into time. What is potential? Is work done per unit charge. Charge को ऊपर ले जाऊंगा तो ऊपर Q square हो जाएगा, Q square मतलब I square T square upon work. Current की dimensional symbol होता है A square, time का T square and work done is force into displacement, that is M1, L2, T minus 2, right? So this becomes the dimensions of capacitance becomes m raised to the power of minus 1, l raised to the power of minus 2, or t minus 2 per jayega, to kya ban jayega? T raised to the power of 4, a square, right? So we say these are the dimensions of capacitance, right? Definition humne aapko kara di. 1 farad ek bahut bada capacitor hota hai. Puri earth ki capacity 711 microfarad hai. So 1 farad is a very big capacitor. So smaller units of capacitance, 1 millifarad, that's 10 raised to the minus 3 farad, microfarad, matlab 10 raised to the minus 6 farad, nanofarad is 10 to the power of minus 9 farad, aur ek aur hota hai 1 picofarad. Picofarad matlab 1 microfarad, do bar micro. 10 raised to the minus 6 to 10 raised to the minus 6, that will be 10 raised to the minus 12 farad. तो ज्यादातर कैपेसिटर्स माइक्रो नैनो पिको के मिलते हैं हमको, और जब भी आपको कोई न्यूमेरिकल सॉल्व करना हो तो सबसे पहले आपको माइक्रो को फैरेड में लाना पड़ता है, ऐसा यूनिट्स में लाना पड़ता है, तभी आप उसको यूज कर सकते हैं फॉर सॉल्विंग प्रॉब्लम्स। ओके, सो इन द नेक्स्ट क्लास स्टूडेंट्स वी शैल लर्न अबाउट हाउ डू यू मेक a small sized capacitor store so much more energy as compared to the entire earth. What is the principle of capacitor? That we shall learn in the next class. So bye bye for today. Today was more of a fun class, but still jo last mein humne padhi hai cheeze, I would like you to see this lecture, the last part again, and please take a note of what you have understood today. And capacitor is a very important concept because zindagi mein pehli baar aap padh rahe ho isko, to bahut dhyan se padhe. Today was lesson 1 of capacitors. We should have another 8-9 lessons and we will be able to complete the entire chapter of electrostatics, jisme capacitor is the last part of this. Okay, so wish you all the best. And stay blessed. Thank you very much for today. Bye-bye.